हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने कॉलेज की रियलिटी के बारे में बात करी थी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कॉलेज टाइम में हम अपने आप को किस तरीके से डिसिप्लिन कर सकते हैं या फिर मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमारे मार्क्स और CGPA दोनों गेन हो पाए। और लास्ट में हम प्लेसमेंट की भी बात करेंगे कि हाईएस्ट पैकेजेस प्लेसमेंट कैसे ले सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के टाइम पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज टाइम में आपको एक कम्युनिटी बना लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब कॉलेज में कोई भी फंक्शन या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चल रहा होगा तो वो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा आपकी कम्युनिटी के थ्रू। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कम्युनिटी कैसे बनाए। तो आपको क्या करना है, जब आप कॉलेज में एंटर करेंगे एज अ फ्रेशर के रूप में, तो आपको अपने क्लास के बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, मतलब उनसे अच्छी फ्रेंडशिप रखनी है। और इसके साथ साथ आपको अपने सीनियर्स के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप रखनी है। मतलब आप कॉलेज में एंटर कर रहे हैं एज अ फ्रेशर के रूप में, तो आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों की जरूरत पड़ेगी, जो आपको सीनियर से या फिर फैकल्टी से मिलेगी। यह तो बात हुई कॉलेज की, लेकिन कॉलेज से अलग आउटसाइड में मतलब कंपनीज वगैरह में भी आपको कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लिंक्डइन के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आप वहां पर इंटर्नशिप या जॉब के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको वहां पर हाई प्रोफेशन बंदों से बात करने का मौका मिलेगा। और ये ऐसे वैसे बंदे नहीं है, ये कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जैसी कंपनी में, जिससे आपको एक्सपीरियंस नॉलेज दोनों मिलेगी और आपकी कम्युनिटी भी बिल्ड करेगी, मतलब ग्रो करेगी। लेकिन आपको कम्युनिटी के साथ साथ अपनी CGPA पर भी ध्यान देना है, यानी कि परसेंट या फिर आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये भी, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पर आपकी CGPA का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो 6 से लेकर 7 CGPA जिसकी होती है उन स्टूडेंट को प्लेसमेंट पर बैठने का मौका देती है, या फिर इससे ज्यादा जिसकी होती है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन स्टूडेंट की 8+ मतलब 8+ CGPA होगी उनको ही प्लेसमेंट में बैठने का मौका देती है, अगर इससे कम हुई तो उनको ना के बराबर ही देती है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि प्लेसमेंट के टाइम पर CGPA का कितना इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी CGPA हाई रखनी है, और ये तभी मुमकिन है जब आप पढ़ेंगे और हार्ड वर्क करेंगे। लेकिन एक और बात, अगर आपकी CGPA लो है और आप CS के स्टूडेंट है, मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 लैंग्वेज में मास्टरी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि आप जब सी लैंग्वेज सबसे पहले सीखते हैं तो आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको अदर लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन सीखने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज में मास्टरी या परफेक्शन लानी है तो आपको एक लैंग्वेज पर फोकस करना है, या फिर जावा हो या फिर पाइथन हो, और जितने हो सके आपको उसके क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिससे आपको प्लेसमेंट के टाइम पर जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दिया जाए वो आप हैंडल कर सकते हैं आसानी से। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप इन बेसिक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो आपकी अच्छी जॉब लग सकती है। बाय द वे, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।